पूर्वी हिमालय भारत के पूर्व में स्थित पूर्वी हिमालय क्षेत्र में साल के 2 या 3 महीनों को छोड़कर शेष माह में वर्षा होती रहती है। मई से सितंबर तक यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है। विश्व में भारत का मेघालय सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य है। मेघालय के मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 1187 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। सर्दी के मौसम में कड़ाके की ठंड पड़ती है, कहीं कहीं हिमपात भी होता है। बहुत अधिक वर्षा के कारण पूर्वी हिमालय में बहुत घने वन हैं। इन वनों में बांस, बेत तथा तेजपत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी जैसे मसालों के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पहाड़ी ढाल होने के कारण सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। यहाँ झूम खेती भी की जाती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में आज भी झूम खेती होती है। मिजो कबीले के लोग झूम की खेती करते हैं। सभी लोग मिलकर खेत का निर्माण करते हैं। दिसंबर के महीने में वर्षा कम होने के कारण ये लोग खेत तैयार करने के लिए निकल जाते हैं। एक खेत पर दूसरे कुनबे का अधिकार नहीं होता। पिछले वर्ष जहां खेती किए हैं वहां छोड़कर दूसरे जगह खेती करते हैं। सारी जमीन कुनबा की होती है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। काफ़ी खोजबीन के बाद खेती के लिए जगह का चुनाव होता है। जंगल को काटने का काम प्रारंभ होता है। किसी भी परिवार को मजदूर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सभी मिलकर काम करते हैं। पेड़ काटते समय ठूट छोड़ दिया जाता है, जिससे बरसात के समय मिट्टी का कटाव रुक जाता है। मार्च अप्रैल में सूखे पत्तों में आग लगा दी जाती है। अब जमीन पर राख बिछ जाती है। वर्षा के समय राख मिट्टी में घुल मिल जाती है। इन प्रदेशों में हल नहीं चलाया जाता। एक ही खेत में धान, मक्का, ज्वार, तिल, सेम, प्याज, तंबाकू, मिर्ची आदि मिला जुलाकर कुदाल की सहायता से बोया जाता है। अगस्त से दिसंबर तक फसलें एक एक कर पकती जाती हैं और उनकी कटाई होती जाती है। झूम खेती की कुछ समस्याएं भी हैं। इससे जंगल कम होने लगे हैं। झूम खेती के लिए पर्याप्त जंगल नहीं है। अब लोगों ने सीढ़ीनुमा खेती करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन पहाड़ी ढालों पर यह कार्य भी कठिन है। उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास। बच्चों, आज मैं आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिवासी लोगों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताती हूँ। भारत शासन ने एक कानून बनाया कि भारत के दूसरे प्रांत के लोग उत्तर पूर्वी राज्यों में जमीन या जायदाद नहीं खरीद सकते। शायद इसके पीछे शासन की ये मंशा रही होगी कि वहाँ के लोग ही उस क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दें, जिसके कारण वहाँ के आदिवासी युवक और युवतियाँ पढ़ लिख कर उस क्षेत्र का उन्होंने विकास भी किया, साथ ही भारत के दूसरे प्रांत में और अपने क्षेत्र में भी उच्च पद पर वे कार्य कर रहे हैं। इस उत्तर पूर्वी राज्य में बड़े उद्योग या व्यापारिक जमीन न होने के कारण जीविका के लिए साधन बहुत ही सीमित है, जिसके कारण लोगों को यहाँ पर रोजगार बहुत कम उपलब्ध होता है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं चाय के बागान की। चाय भारत के अधिकांश लोग पीते हैं। आपको पता है बच्चों, ये चाय कहाँ से आती है? ये चाय भारत के पूर्वी हिमालय से आती है। असम में चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यहाँ पर चाय के निचली पहाड़ियों में बड़े बड़े बागान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय के बागान दिख रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। जो आप चाय पत्ती देखते हैं ना बच्चों, ये चाय पत्ती इन्हीं पत्तों से बनती है। इन पत्तियों को तोड़कर सुखाया जाता है और मशीनों की सहायता से उसे काटा जाता है। चाय का उत्पादन भारत में अधिक होने के कारण और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होने के कारण हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये बहुत प्रिय है, जिसके कारण अधिक मात्रा में इसका निर्यात विदेशों में होता है।
चाय असम की प्रमुख फसल है।